आयोजन से जुड़े हुए हैं। योग की महत्ता को विश्वव्यापी मान्यता देते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। सही अर्थों में योग सारे विश्व को भारत की अप्रतिम भेंट है। Well, this also goes to show how much has social media taken over our lives today. For the International Yoga Day that is being organized today has not just happened overnight. It's been a cumulative effort of almost 3 months of intensive workshops, intensive promotions by various social media accounts, through word of mouth, through being organized in schools, through workshops being held among the students, and also for families in parks, through several displays that have happened all across the city, that we see such a huge footfall of commoners today at the Ramabai Ambedkar grounds. You can see the rain coming down heavy right now, but irrespective of that, we see the people all smiles, and that is what matters. For choosing a healthy lifestyle is always a choice that you have to make. And we can see the Prime Minister's complete camaraderie now arriving over there. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, making his entry into the stadium. तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन, मुख्य आयोजन स्थल पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री राम नाईक, उनका स्वागत, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, वरिष्ठ अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करते हुए इस आयोजन स्थल पर, जहां हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं, स्वयं सेवक, अलग अलग संस्थाओं प्रतिष्ठानों से जुड़े लोग आज इस आयोजन से जुड़कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक बहुत ही गौरवशाली, अविस्मरणीय अवसर लखनऊ शहर के लिए। Yes, indeed, a moment. Let's not also forget that the Prime Minister of the nation has a huge fan following amongst the youngsters of this generation. And you can see those bright faces as the PM waves out to all those thousands of kids waving back to him. He's always been a people's person, being actively involved with them, promoting a healthy lifestyle for the generation. जन के बीच जनप्रिय जननायक, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी हर दिल अजीज हैं। भारतवासियों, नए और पुराने का ये कितना सुंदर संयोग है, ये कैसा सुंदर उद्घोष है। न्यू इंडिया चमकने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी ओर प्राचीन परंपरा योग प्रकाश पुंज बनकर विश्व को रास्ता दिखा रही है। परंपराओं के संयोजन से हम चित्र बनाया करते हैं, मिला स्वेद में शोणित को नवरंग सजाया करते हैं। हम इसकी रज में खेले हैं, हम इसीलिए अभिमानी हैं, हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी जन के बीच आज योगा करने के लिए पधार रहे हैं। सभी अपार जनसमूह उल्लासित और हर्षित है। कहते हैं मेघ और मेहमान बड़े भाग से पधारते हैं, मेघ आ चुके, माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपार जनसमूह के उत्साह के बीच तालियों का आकाश बनते हमने आज देखा, और हमने देखा उल्लास का पहाड़ बनते हुए देखा, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम की गूंज के साथ साथ उनका वंदन और चंदन करते हुए हमने देखा। आइए अब हम योग के लिए तैयार हो जाएं। योग का लाइव प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। आपसे निवेदन है कि कृपया LED स्क्रीन पर देखकर आप सभी योगासन करें।
मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि कृपया व्यवस्था बनाकर रखें, अपने अपनी जगह पर बैठें। अब लाइव योगा प्रदर्शन किया जाएगा। आगे की कार्रवाई का संचालन करेंगे डॉक्टर ईश्वर वासव रेड्डी, डायरेक्टर मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। सभी से निवेदन है कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। हम योगा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बारिश के बीच, इंद्र देवता के आशीर्वाद के बीच यहाँ पर योग करने के लिए पधारे हैं। हेलो, चेक चेक। नमस्कार गण्यमान्य अतिथिगण, योग साधकगण, योग प्रेमी देवियों और सज्जनों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, वेलकम एवरीवन टू द थर्ड इंटरनेशनल योगा डे। आइए प्रार्थना से हम सब योगा अभ्यास आरंभ करेंगे। Let us begin the yoga sadhana with a prayer. किसी भी ध्यानात्मक आसन में सुखपूर्वक बैठ जाइए। Please sit in a comfortable meditative posture. प्रार्थना के लिए आंखें बंद कीजिए। Close your eyes. हाथों को परस्पर नमस्कार मुद्रा में जोड़िए। Bring your palms together in नमस्कार मुद्रा। सभी एक स्वर में तीन बार ओंकार का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात प्रार्थना आरंभ करेंगे। Let's chant Om three times and followed by a prayer. गच्छत्वं संवदध्वं संवो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। धीरे से आंखें खोलिए और हाथों को पुनः ज्ञान मुद्रा में लाइए। Gently open your eyes and bring your hands in ज्ञान मुद्रा। सर्वप्रथम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। Let's chant, start loosening practices. सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। Please stand up at your own place. यह अभ्यास शरीर में रक्त के सूक्ष्म संचारण को बढ़ाता है। These practices help in micro circulation. गर्दन झुकाने वाले अभ्यास से चालन क्रियाओं को शुरू करेंगे। We begin with neck bending. पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। Keep your feet 2 inches apart. हाथों को कमर पर रखिए। Place your hands on your waist. श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को आगे झुकाइए। Exhale slowly and move your head forward. श्वास अंदर लेते हुए सिर को पीछे ले जाए। Inhale, take your head back. श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। Exhale, bring your head back to
पोजीशन दाएं एवं बाईं ओर गर्दन झुकाने का अभ्यास राइट एंड लेफ्ट नेक बेंडिंग श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को दाहिने तरफ झुकाइए एक्सहेल एंड बेंड द हेड टू द राइट श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस लाइए इनहेल एंड ब्रिंग द हेड बैक श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाइए एक्सहेल एंड बेंड द हेड टू द लेफ्ट श्वास अंदर भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए इनहेल ब्रिंग द हेड बैक टू नॉर्मल पोजीशन गर्दन मोड़ने का अभ्यास नेक ट्विस्टिंग श्वास छोड़ते हुए सिर को दाहिनी तरफ घुमाइए एक्सहेल टर्न द हेड टू द राइट श्वास भरते हुए वापस आइए इनहेल एंड ब्रिंग द हेड बैक अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाइए एक्सहेल एंड टर्न योर हेड टू द लेफ्ट श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए इनहेल एंड स्लोली कम बैक गर्दन गोलाकार घुमाने का अभ्यास नेक रोटेशन श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाए एक्सहेल एंड ब्रिंग द चिन टुवर्ड्स द चेस्ट श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की दिशा में पीछे ले जाए इनहेल एंड स्लोली रोटेट द हेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे लाए एक्सहेल कम डाउन अब सिर को विपरीत दिशा में घुमाए नाउ रोटेट योर हेड इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाए इनहेल गो बैक श्वास छोड़ते हुए वापस आए एक्सहेल कम डाउन श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाए और हाथों को पुनः अपनी जगह ले आए इनहेल एंड ब्रिंग योर हेड टू द नॉर्मल पोजीशन अब हम Place your palms by the side. अब हम स्कंद संचालन का अभ्यास करेंगे Shoulder movement. श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर उठाएं. Inhale, raise both the arms sideways above your head. हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हो Palm facing outwards. श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं. Exhale, bring your arms down. इसी अभ्यास को दो बार दोहराइए रिपीट दिस प्रैक्टिस फॉर टू टाइम्स श्वास लीजिए इनहेल श्वास छोड़िए एक्सहेल श्वास लीजिए इनहेल श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आए एक्सहेल एंड ब्रिंग योर आर्म्स डाउन स्कंद चक्र का अभ्यास शोल्डर रोटेशन श्वास लेते हुए अपने हाथों को कंधों की ऊंचाई तक ले आए इनहेल एंड रेज बोथ द आर्म्स अप टू शोल्डर लेवल बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर व दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें प्लेस द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड ऑन द लेफ्ट शोल्डर एंड द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड ऑन द राइट शोल्डर अब दोनों कोहनियों को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं Now rotate both shoulders in clockwise direction. यह अभ्यास दो बार दोहराइए. Repeat it for two times. अब इस अभ्यास को विपरीत दिशा में भी दो बार कीजिए. Now rotate your shoulder in anti-clockwise direction for two times. श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को पूर्ववत स्थिति में ले आए. Exhale. And bring your arms down. अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया Trunk twisting. अपने पैरों को कंधों के बराबर की दूरी पर रखें Keep your legs shoulder length apart. हाथों को कंधों के सीध में समान सामने की ओर उठाएं Raise your arms to the level of your chest. श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाई तरफ घुमाएं Exhale, twist the body towards the right. श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा करें Inhale, come back. श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं Exhale, twist the body towards the left. श्वास भरते हुए पुनः सीधे हो जाए Inhale, come back. हाथों को भी वापस ले आए Bring your arms down and relax. अब हम
घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। नी मूवमेंट। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे के स्तर तक सामने लाइए। इनहेल एंड लिफ्ट योर आर्म्स अप टू शोल्डर लेवल। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटों को मोड़िए और बैठने की स्थिति में आइए। एक्सहेल बेंड द नीज एंड कम टू स्क्वैटिंग पोजीशन। श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। इनहेल कम अप। श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आइए। अगेन एक्सहेल गो डाउन। श्वास भरते हुए पूर्व स्थिति में वापस आइए। इनहेल कम अप। और विश्राम कीजिए, हाथ नीचे कीजिए। एक्सहेल ब्रिंग योर आर्म्स डाउन। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। नाउ वी मूव ऑन टू योगासना प्रैक्टिसेस। सर्वप्रथम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं। स्टैंड विद योर फीट 2 इंचेस अपार्ट। श्वास भरते हुए हाथों को कंधों के स्तर तक लाएं। इनहेल एंड रेज योर आर्म्स अप टू शोल्डर लेवल। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा करें। इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड टर्न द रिस्ट आउटवर्ड। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। इनहेल ब्रिंग योर आर्म्स अप। एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाएं। Raise the heels off the floor and balance on the toes. यह आसन शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। This asana brings stability and firmness. एड़ियों को वापस लाएं। Bring your heels down. श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आएं। Exhale and bring the arms down. अब हम वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। वृक्षासन। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़े। एक्सहेल बेंड द राइट लेग। दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंगा पर रखने का प्रयास करें। प्लेस द फुट ऑन द इनसाइड ऑफ द लेफ्ट थाई। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। इनहेल ब्रिंग द आर्म्स अप एंड जॉइन द पाम्स। यह आसन तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को समन्वय में मदद करता है। This asana improves neuromuscular coordination and bring balance of the body. यह शरीर को भी संतुलित बनाता है। श्वास छोड़ते हुए हाथों और दाहिने पैर को नीचे ले आए। Exhale, bring the arms and right foot down. अब यह आसन दूसरे पैर से भी दोहराएं। Now repeat the same asana on other side. बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर की जंगा पर रखें। Place the left leg on the inside of the right thigh. श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपनी हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। Inhale and bring the arms up. Join your palms. शरीर को कांटे हुए स्थिर रखें। Stretch your body up and try to maintain the posture. अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और बाएं पैर को नीचे लाएं और विश्राम करें। Now exhale and bring the arms and left foot down. अब हम पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे। पादहस्तासन। अपने पैरों को अपना पैरों के बीच 4 इंच का अंतर रखें। Keep your feet 4 inches apart. श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लाएं। Inhale, raise the arm up. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए। Exhale and slowly bend forward. कमर को खींचने का प्रयास कीजिए। Stretch up from the waist. अपनी हथेलियों को पंजों के पास रखिए। Keep your palms beside the feet. यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पाचन शक्ति को सुधारता है। This asana makes the spine flexible and helps in digestion. अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। Now inhale and slowly come back. श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाए और विश्राम करें। Exhale, bring your arms down and relax. अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। Now we move on to अर्ध चक्रासन।
अपने हाथों को कमर के पीछे रखें। Place your hands at the back of your waist. अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखें। Keep your elbow parallel to each other. श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। Inhale and move the head backward. श्वास छोड़े और आसन में बने रहे। Exhale and try to maintain the posture. यह आसन श्वसन क्रिया और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में सहायक है। This asana improves breathing and helps to cure cervical spondylitis. श्वास भरते हुए सिर को वापस लाएं। Inhale and slowly come back. श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पूर्व स्थिति में ले आए और विश्राम करें। Exhale, bring your arms down and relax. अब हम त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। त्रिकोण आसन। दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाएं। Now open your legs 3 to 4 feet apart. श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधों के ऊंचाई तक लाएं। Inhale and raise both your arms up to shoulder level. दाएं पैर के पंजे को दाई तरफ घुमाएं। Turn your right foot towards right side. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाई तरफ झुकते जाएं। Now exhale and slowly bend towards the right side. दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। Place the right hand behind the right leg. अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमिका उंगली को देखें। Turn your head and gaze at your middle finger. यह आसन पिंडलियों, जंगाओं तथा कटी की मांसपेशियों को पुष्ट करता है। This asana strengthens the calf, thigh and waist muscles. अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। Inhale and slowly come back. अपने दाहिने पैर के पंजों को सीधा कर ले। Bring your right foot back to the normal position. अब बाएं पैर के पंजों को बाई तरफ घुमाए। Now turn your left foot towards left side. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाई तरफ झुकते जाए। Exhale and slowly bend towards the left side. बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें। Now place the left hand behind the left leg. अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और माध्यमिक उंगली को देखें। Turn your head and gaze at your middle finger. धीरे से श्वास भरते हुए वापस आएं। Inhale and slowly come back. अब दोनों पैरों को मिलाएं और हाथों को भी वापस लाएं। Now join your legs and bring your arms down. अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। Now we move on to sitting postures. धीरे से बैठ जाएं। Please sit down. सर्वप्रथम हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। First आसन भद्रासन। पैरों को सामने की तरफ सीधा कर ले। All of you stretch your legs forward. हाथों को नितंब के पास रखें और कमर सीधी कर लीजिए। Keep your hands beside the hips and make your back straight. इसे दंडासन कहते हैं। This is दंडासना। पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाइए। Bend your knees and put the sole of your feet together. श्वास छोड़ते हुए पंजों के पकड़ लीजिए। Exhale, hold your toes. अपनी एड़ियों को शरीर की तरफ लाएं। Pull your heels towards your body. यह आसन मेरुदंड और घुटनों के जोड़ों को स्वस्थ बनाने में सहायक है। This asana keeps the spine and hip joint healthy. धीरे से दंडासन में वापस आएं। Now come back to दंडासना। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं। Fold your legs and sit on your heels. हाथों को घुटनों पर रखें। Place the hands on the knees. कमर और गर्दन को सीधा करें। Keep your head and back straight. इस स्थिति को वज्रासन कहते हैं। This is Vajrasana. यह आसन पाचन क्रिया के लिए अत्यंत लाभदायक है। This asana is beneficial for digestive system. अब हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। Now
Now we move on to Ustrasana. जिन्हें उष्ट्रासन करने में परेशानी है वह कमर का सहारा लेते हुए अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करें। Those who are having difficulty in performing Ustrasana can perform Ardha Ustrasana. घुटनों पर खड़े हो जाएं। Stand on your knees. घुटने के बीच कुछ इंच की दूरी रखें। Bring the knees and feet about a few inches apart. श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकें। While inhaling, bend backward. श्वास छोड़ते हुए दाई हाथ से दाई एड़ी और बाई हाथ से बाई एड़ी को पकड़ें। While exhaling, place the right palm on right heel and left palm on the left heel. श्वास भरते हुए वज्रासन की स्थिति में वापस आ जाएं। Return with inhalation and sit in Vajrasana. यह आसन मोटापा कम करने में सहायक है, पीठ और गर्दन के दर्द में भी आराम दिलाता है। It helps to reduce obesity and cure back and neck pain. अब हम शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। Now we move on to शशांक आसन।